आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज की दो सबसे बड़ी खबर और पहली बड़ी खबर तेजिंदर बग्गा से जुड़ी हुई, जिनको दिल्ली पुलिस दिल्ली लेकर आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर यह है, ज्ञान वापी मस्जिद में इस समय सर्वे का काम चल रहा है। तीन कैमरों की नजर से ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले कुछ मामूली नारेबाजी हुई थी, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। सर्वे शुरू हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका है। संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संजय त्रिपाठी, इस समय का क्या अपडेट? देखिए, दोनों पक्ष जमे हुए हैं इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के सामने, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदू पक्ष के लोग भी अब यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ लगातार माहौल जो है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है। पुलिस निपटने की कोशिश कर रही है, और देखिए यहाँ से जो हिंदू पक्ष की ओर से नारेबाजी शुरू हुई थी उसको हटाया जा रहा है यहाँ से, और लगातार फोर्स यहाँ डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ दाईं ओर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जो सर्वे कार्य शुरू हुआ है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या जो सर्वे शुरू हुआ है उससे क्या अपेक्षा है? सर्वे से हम लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं कि आज़ाद भारत में पहली बार इस तरह का सर्वे माननीय न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं, और इसे रोकने का अधिकार किसी भी जाति धर्म के लोगों को नहीं। लेकिन जिस तरह की नारेबाजी अभी मैं सुन रहा था यहाँ से भी की गई है, वो कितना उचित है? ये अपनी अपनी खुशी है कि लोग हर हर महादेव कर रहे हैं, और उधर से भी नारे तदबीर भी हो रहा है, तो ये अपने अपने प्रसन्नता की बात है। कोर्ट ने जो है हिंदू पक्ष की ओर से जो बात दायर किया गया है उसको लेकर के ही तो सर्वे शुरू कराया, फिर आप होने दीजिए ना। नहीं तो ये तो हो ही रहा है, इसको कौन रोक रहा है? संजय त्रिपाठी, कोई रोक नहीं रहा। संजय त्रिपाठी, जो शख्स आपके साथ टीका लगाए हुए खड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से ये पूछे कि इसमें नारेबाजी में कैसी खुशी है? अगर माहौल खराब होगा और दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा होगा, वाराणसी की गंगा जमुनी जो तहजीब है अगर उस पर आ जाएगी, तो क्या ये खुशी की बात है? माहौल जिस तरह का बना हुआ है, आराम से सर्वे कार्य चल रहा है, और जो जो चीज़ें हो रही हैं अंदर कोर्ट के आदेश से उसको होने दिया जाए, बजाय इसके कि दो वर्गों में तनाव प्राप्त हो जाए इस तरह की नारेबाजी से। तनाव का तो कोई जगह नहीं है इसमें, केवल सर्वेक्षण का बात है, जो कि वही लोग विरोध किए रहे, और जबकि फोर्स का संख्या बल बढ़ गया। विरोध करने से क्या होता है, टीम तो अंदर गई, सर्वे कार्य शुरू तो हो गया। जब फोर्स का संख्या आया तब वो लोग यहाँ से गए हैं ना, नहीं तो वो लोग तो आप देखे ही थे 2000 के तादाद में यहाँ चप गए थे। यहाँ उन लोग का आना गलत था ही, जब कोर्ट का आर्डर है तब पुलिस कानून व्यवस्था पर भरोसा है कि नहीं, उन्होंने नियंत्रित की कि नहीं चीजें? भाई देखिए, जब यहाँ फोर्स आया तब भी ना उन लोग का संख्या बल गया, अगर फोर्स अगर न रहता तो वो लोग विरोध कर। इसीलिए होता ही है ना, इस तरह की चीजों से निपटने के लिए होता ही है फोर्स। हाँ, फोर्स को तो भाई जो कार्य दिया गया, फोर्स बखूबी एकदम शांति व्यवस्था यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास का कायम है, और संरक्षण के जो जितने भी सदस्य हैं उनको सुरक्षा दिया गया है, वो लोग अपना अंदर में सर्वेक्षण का कार्य कर ही रहे हैं, इसलिए सभी को उसमें सही। आप जा रहे हैं यहाँ से? आप लोग कौन? हम लोग तो अंदर के ही महंत हैं, विश्वनाथ जी के कचहरी के महंत हैं, अक्षय भट्ट हनुमान मंदिर महंत बच्चा पाठक। अंदर दर्शन 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 पूजन नहीं हो रहा भीतर? नहीं नहीं नहीं, दर्शन पूजन बाबा का सब चालू है, कोई भी दर्शन पूजन बंद नहीं है। ये गेट बंद कर दिया गया श्रद्धालुओं के लिए? नहीं, उधर वाला सभी गेट खुला है, चौथा नंबर गेट है, इसको रोका गया। हाँ हाँ, ना अभी फिलहाल ये स्थिति है। दूसरे पक्षी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका कहना है कि जब नारेबाजी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं माहौल बिगड़ सकता है। ये अलग बात है कि इनके यहाँ नारेबाजी करने से कोई माहौल अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा है। और इस पर तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि ये जो गेट है चार नंबर, यहाँ से आम जन का प्रवेश बंद कर दिया गया है। जिन लोगों को भी दर्शन करने जाना है वो और जो दूसरे गेट है वहाँ से जा रहे हैं, चूँकि यहाँ से सर्वे की टीम काम करने गई है, और सर्वे जो ज्ञानवापी मस्जिद का रास्ता है इस तरफ से सीधा जा करके, और जहाँ नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है उससे बाई ओर मुड़ करके दूसरा जो गेट है वहाँ से ये सर्वे की टीम अंदर गई है, मस्जिद में दाखिल हुई है, और वहाँ सर्वे का काम चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दिया गया है, पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया गया है, जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है संजय त्रिपाठी, आप नजर बना के रखिए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज की जो दो बड़ी खबरें, एक तरफ पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, वहाँ माहौल गर्म है, और इधर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे चल रहा है, वहाँ माहौल गर्म है, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।